जो हम लोगों की प्रेसवार्ता है उसमें DGT यानी NCVT द्वारा जो छात्रों के साथ आए दिन अलग अलग पद्धतियों के द्वारा कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी परीक्षाओं का नाम, कभी कुछ और, कभी कुछ और, इस तरह से शोषण किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में COVID-19 के तहत कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे CBSE, चाहे UP बोर्ड, सभी बच्चे प्रमोटेड किए जा चुके हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में BTEC के बच्चे प्रमोटेड हो गए हैं, पॉलिटेक्निक के प्रमोटेड हो गए हैं, विश्वविद्यालय के कॉलेजों में भी सारे बच्चे प्रमोटेड प्रथम वर्ष के हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ NCVT द्वारा आज तक पूरे देश में कोई भी बच्चा प्रमोटेड नहीं किया गया है, जिससे बच्चों के साथ भी है। जब कोविड की अगर कोविड अनुपालन करना है हमें, तो कोविड के तहत ही कार्य करना है। 2014 से लेकर के अभी तक जिन बच्चों ने ITI पास आउट हो चुके हैं, उनके छोटे मामूली से करेक्शन, जैसे उनके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई फॉर्मेट चेंज होना, आज तक उनको जो भी करेक्शन है वो पूर्ण नहीं किए गए हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत ही गलत खिलवाड़ हो रहा है, जिससे वो बच्चे कहीं रोज़गार कर सके। हमारे मोदी जी कहते हैं कि रोज़गार के साथ भारत स्किल इंडिया बनेगा। इस तरह से जो सब चल रहा है, इससे संभव नहीं है कि बच्चों को कोई रोज़गार मिल सके, क्योंकि वो पास आउट तो हो गए लेकिन जब करेक्शन ही है, नाम ही नहीं है, सही नाम नहीं है, कहीं स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, कहीं कोई और प्रॉब्लम है। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि इसमें पहल करें, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इसके अलावा अन्य बिंदु में पिछले नवंबर से 2020 से ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो विधिवत शेड्यूल के द्वारा नहीं हो रही, परीक्षा नियमावली के अंतर्गत नहीं हो रही, और अभी तक मार्च से बल्कि अभी तक परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, जो बहुत ही विचारणीय विषय है। इस तरह से संभव नहीं है। जब बच्चों की, जब आप शेड्यूल करें, कोई भी परीक्षा कराते हैं, कोई भी कुछ होता है, उसका एक सिस्टम होता है कि इतने समय से इतने समय तक ये परीक्षा होनी चाहिए, इसका रिजल्ट ये घोषित होता है। पिछले कई सत्रों से इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही अन्याय और भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चों का जो शोषण हो रहा है, उस संबंध में रखी गई है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा DG द्वारा ये आदेश हुआ था कि बच्चे प्रमोटेड कर दिए गए और फिर उनको कैंसिल कर दिया, अपने ही लिखे को, अपने ही पत्र के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया। ये बच्चे का शोषण हो रहा है। अगर जो बच्चा रोजगार से परेशान है, बच्चा इस समय एक एक वैसे हर एक बच्चा परेशान है, तो सरकार किसी बच्चे की परीक्षा नहीं करा रही, ना ही टाइम टेबल जारी कर रही कि परीक्षा कब होगी, कब कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कोई ऐसा आदेश नहीं है। इसलिए हम लोग ये